हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस ब्यूटीफुल से चैनल CSP इंस्टीट्यूट पावर टावर। तो बच्चों, जैसा कि हमने कहा था कि इस चैनल पर आपको 10th और 12th से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे, 11th और 9th के भी मिलेंगे, लेकिन अभी कुछ टाइम के बाद में। अभी स्टार्टिंग हम 10th क्लास से कर रहे हैं और आज हम आपके लिए 10th क्लास साइंस में चैप्टर नंबर 10 लेकर के आए हैं, जिसका नेम है बच्चों लाइट। बोले तो उसमें हमें बेसिकली पढ़ना है जो है लाइट में भी हम लोगों को बच्चों पढ़ना है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। एक तो पढ़ना है रिफ्लेक्शन और एक पढ़ना है रिफ्रैक्शन। ये हमारा NCERT का चैप्टर नंबर 10 है। अब पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं बच्चों कि कोई भी स्टूडेंट ये बिल्कुल भी टेंशन ना ले कि सर ये तो NCERT का है, मैं RBSC बोर्ड से हूं, मैं फलाने बोर्ड से हूं, मैं इस बोर्ड से हूं, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। भले ही हमने NCERT शब्द यहां पर जरूर लिखा है, लेकिन हम पूरी की पूरी बात कॉन्सेप्चुअल करेंगे, पूरे टॉपिक्स को साथ में लेकर के चलेंगे। बच्चा चाहे RBSC बोर्ड का हो, चाहे NCERT की बुक पढ़ता हो, यानी CBSC बोर्ड का हो, किसी प्रकार की किसी भी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप यकीन मानिए, आपको काफी अच्छा यहाँ पर समझ में आने वाला है और भी वीडियोस आपको यहाँ पर मिलेंगे बच्चों। तो अपन अभी स्टार्ट करते हैं लाइट चैप्टर। देखिए, बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, काफी बच्चों को इस चैप्टर से डर लगता है, लेकिन आप देखना कि कितना आसान ये चैप्टर है और कितनी सिंपलिसिटी से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, सबसे पहले बच्चों मैंने बात करी इस चैप्टर के नाम से, लाइट से, यानी ये लाइट क्या होता है। लाइट को इंग्लिश में, लाइट को सॉरी हिंदी में बोलते हैं प्रकाश। अब बात समझना, लाइट क्या है बच्चों? तो लाइट कुछ भी नहीं है, लाइट इज द एनर्जी, या ऐसे कह दो कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी लाइट जो होता है वो एनर्जी का एक फॉर्म होता है। या फिर मैं ऐसे कह दूं, ज्यादा अच्छी डेफिनेशन अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। कहने का मतलब, बेसिक सी बात अगर आपके लेवल पर लिखना चाहूं तो मैं बच्चों इतना सा लिख सकता हूं, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। कहने का मतलब, लाइट एक प्रकार की एनर्जी ही होती है, ऊर्जा ही होती है, जो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें सहायक होती है, हेल्प करती है। आपने कहा सर एक और कोई डेफिनेशन बताओ, मैंने कहा ठीक है। तो देखो, इट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पूरा लिख देता हूं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। क्या समझ में आया कि लाइट जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वह भाग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक ऐसा पार्ट होता है, एक ऐसा पार्ट है जिससे कि हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? बिल्कुल बेसिक चर्चा, बिल्कुल बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें कई प्रकार की रेज अपन बोला करते हैं, जैसे गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, है ना। फिर अपना आ जाता है सीधा सीधा विबग्योर, और जो विबग्योर वाला रीजन होता है इसी को बोलते हैं अपन लाइट, यानी ये विजिबल रीजन होता है बच्चों। कौन सा रीजन होता है ये? विजिबल, और इसी को बोला जाता है लाइट। क्लियर है? आगे चलेंगे तो आप ये सारी चीजें जानने लगेंगे। विबग्योर में भी यहां पर 7 कलर्स के नाम है बच्चों, क्लियर है। जैसे मैं आपको बता दूं, ये वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, यहां पर ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इस तरह से ये 7 कलर्स के नाम होते हैं, बिकॉज लाइट के इंग्रेडिएंट्स कलर हैं ये 7। लाइट में ये सारे कलर्स होते हैं, क्लियर है। अब इनकी चर्चा अपन आगे करने वाले हैं, अभी केवल दिमाग में इतना रखो कि लाइट क्या होता है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट या वेरियस ऑब्जेक्ट, जो हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट देखने में मदद करती है वो होती है लाइट। क्लियर सी बात है, इतना सा हम लोगों को समझ में आता है। अच्छा, लाइट में कई प्रकार की प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर
आपके ही चैप्टर की बात करूं तो बेसिकली यहां पर लिखा भी हुआ है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो आपको पता चल रहा होगा हमें यहां पर मेनली रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ना है। बाकी मैं आपको बता दूं बच्चों, लाइट हैज मैनी प्रॉपर्टीज। आप कॉपी पेन तैयार रखें, नोट्स भी साथ में लिखते चले बच्चों। लाइट हैज मैनी प्रॉपर्टीज सच एज, अब देखो एक तो लाइट जो होता है ना बच्चों, वो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन या लीनियरली मोशन या लीनियर प्रोपगेशन यानी एक ही डायरेक्शन में चल सकता है, तो ये मैं लिख सकता हूं सच एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, प्रोपगेशन प्रोपगेशन का मतलब संचरण, ठीक है। अच्छा उसके अलावा सर रिफ्लेक्शन, जैसा कि चैप्टर का नाम है सर रिफ्रैक्शन, ठीक है बच्चों और भी होती है लेकिन अभी हमें उनसे मतलब नहीं। तो लाइट में काफी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे वो सीधी लाइन में चल सकता है, उसका रिफ्लेक्शन होता है, उसमें रिफ्रैक्शन होता है, और चर्चा करूं तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ठीक है डिस्पर्जन, बट अभी हम इनकी चर्चाएं नहीं करेंगे, अभी हमें मेनली रिफ्लेक्शन के बारे में बात करनी है, तो मैंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तक ही आपको लिख करके बताया है। लेकिन एक स्पेशल बात करूं तो बच्चों, अपन को यह भी पता होता है कि लाइट में सर एक स्पेशल प्रॉपर्टी जिसको कह सकते हैं हीटिंग प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। जैसे आप देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में देखें तो अपन देखते हैं कि छत पर जो टंकी रखी होती है उसका पानी जो होता है वो गर्म हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, पानी गर्म कैसे हुआ, कोई सोर्स तो अपन ने यूज किया ही नहीं था, यानी एक नेचुरल सोर्स है सन, जहां से लाइट आ रहा है, लाइट की वजह से वो गर्म हो रहा है, तो कुल मिलाकर के पानी को हीट मिला, तो हीटिंग एनर्जी भी होती है लाइट में, वो हीटिंग एनर्जी भी देता है। बात समझ में आ रही है क्या। जैसे अपन एक बेसिक एग्जांपल और लें, जैसे मेरे पास मान लो कोई थर्मामीटर है, समझना, और थर्मामीटर को अगर मैं सनलाइट में ले जाकर के रख दूं, देन ड्यू टू टेम्परेचर उस थर्मामीटर में जो मरकरी भरी होती है, जो पारा भरा होता है, वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है, वो दर्शाता है कि लाइट में हीटिंग प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। क्या मेरी इतनी सी बात आपको क्लियर है बच्चों। लाइट एनर्जी का फॉर्म होता है जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक ऐसा पार्ट होता है जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। लाइट का रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन हम लोगों को पढ़ना है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन भी इसमें होता है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, समझना मेरी बात को, अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझना, देखो क्या होता है, पहले मेरी लाइन सुनना ध्यान से, किन्हीं दो मीडियम्स को सेपरेट करने वाली, देखो ये मार्कर देखो मेरे हाथ में, मान लीजिए ये कोई सरफेस है, किन्हीं दो मीडियम्स को सेपरेट करने वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, माना कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अब ये दो मीडियम को सेपरेट कर रही है किस प्रकार से, माने अपन सर मान लो ऊपर का मीडियम कुछ और है और यहां का मीडियम यानी नीचे का मीडियम कुछ और है, ठीक है बच्चों, किन्हीं दो मीडियम्स को सेपरेट करने वाली लाइट रे का टकरा कर सेम मीडियम में लौट जाना ही कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे मान लीजिए बच्चों, मैंने कहा कि मेरे पास ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब जिसके एक फेस पर क्या कर दी गई हो, पॉलिश कर दी गई हो, और एक रिफ्लेक्टिंग है जहां से रिफ्लेक्शन होना है, ठीक है, तो लाइट आई यहां टकराई, थोड़ी देर झिंगलाला हुआ और टकरा करके इस तरह से लौट गई। तो कहने का मतलब आपने कहा कि सर ये दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, ऊपर का मीडियम कुछ और है, नीचे का मीडियम कुछ और है, लेकिन आपने कहा कि लाइट रे उस सरफेस से टकरा करके सेम मीडियम में, इसी मीडियम में वापस लौट जाती है, then this phenomena is known as reflection of light, and in this process this ray is known as incident ray, जो ये लाइट आई है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे, जो टकरा करके चली गई है बच्चों उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, उसको कौन सी रे कहते हैं बच्चों अपन, रिफ्लेक्टेड रे।
बच्चों ये जो पॉइंट होता है इसको कहते हैं अपन इंसिडेंस पॉइंट। अच्छा अगर इस इनसे देखो इस सरफेस पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाए या एक परपेंडिकुलर लाइन खींची जाए जो इस इंसिडेंस पॉइंट से होकर के जाती है, इससे पास होती है, दैट परपेंडिकुलर लाइन इज नोन एज नॉर्मल। इसको नॉर्मल कहते हैं। इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको कहते हैं इंसिडेंस एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इट इज डिनोटेड बाय आई। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन एंगल या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाय आर। मैं इनके नाम दे देता हूं, ये ए ओ बी एंड एन। तो देखना इन फिगर क्या क्या बातें हैं बच्चों, ध्यान से देखो। एओ क्या है, एओ क्या बता रहा है, एओ को अपन इंसिडेंट रे, कौन सी रे है बच्चों, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। अच्छा बच्चों ओबी क्या है, ओबी सर रिफ्लेक्टेड रे, हाँ या ना। एनओ क्या है, नॉर्मल है। ओ क्या है, इंसिडेंस पॉइंट है। बात समझ में आ रही है क्या बच्चों। अच्छा एंगल की बात करें, एंगल ए ओ एन, एंगल ए ओ एन इज इक्वल टू एंगल आई इज इक्वल टू इंसिडेंस एंगल। कौन सा एंगल, इंसिडेंस एंगल, ओके। अच्छा बच्चों एन ओ बी बोल दो या फिर बी ओ एन बोल दो, तो एंगल एन ओ बी इज इक्वल टू एंगल आर बोले तो रिफ्लेक्शन एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एक ही बात है, इसको कहते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन एंगल, क्लियर है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसा फिनोमेना है कि सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो ये होता है कि कोई भी लाइट एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा करके सेम मीडियम में अगर लौट जाती है देन दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसकी डेफिनेशन बच्चों मैं यहां पर लिख देता हूं, लाइट ट्रेवल इन सेम मीडियम आफ्टर इंसिडेंस ऑन ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। समझना, इफ लाइट ट्रेवल इन सेम मीडियम आफ्टर इंसिडेंस ऑन ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन दिस फिनोमिना इज कॉल्ड बच्चों अगर राइटिंग नहीं समझ में आए तो मैं बोल रहा हूं आप सुनकर भी लिख सकते हैं, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हाँ या ना। अगर कोई लाइट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा कर या इंसिडेंट होकर के सेम मीडियम में ट्रेवल कर जाए देन बोलिए देन दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको कहते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ लॉज होते हैं, पहले आप इसको फटाफट पॉज करके नोट करें। करा नोट, अब देखो अब इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम देखते हैं बच्चों कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, समझना। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी मैं आपको बताता हूं, रिफ्लेक्शन के नियम, परावर्तन के नियम देखना। सबसे पहला लो या पहले मैंने जो डायग्राम मिटाया बच्चों मैं एक बार और उसको ड्रॉ कर देता हूं, आप भी ऐसे कैसे ही बनाए ताकि सारी चीजें आपको क्लियर रहे बच्चों। अपन ने इसको नॉर्मल कहा था, बात समझ में आ रही है क्या, ये एन था, ये ओ था, ये ए था, ये बी था, यहाँ पे आई था और यहाँ पर आर था, बात समझ आ रही है। पहला जो नियम है वो ये कहता है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस था हमारा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पहला नियम कहता है कि इंसिडेंट रे
रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। देखो मैं लिख देता हूं बच्चों, ये हमारा है इंसिडेंट रे, बच्चों ये हमारा होता है रिफ्लेक्टेड रे, बच्चों ये हमारा होता है नॉर्मल। तो बच्चों इंसिडेंट रे, पहला नियम लिख रहा हूं बच्चों, कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, समझना, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, इन सेम प्लेन, सभी एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, क्लियर है। सेकंड पॉइंट बच्चों, सेकंड पॉइंट बिल्कुल इजी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, बच्चों मेरी राइटिंग कुछ ज्यादा ही सुंदर है तो आप सुनकर के लिखिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब जितने एंगल पर आकर के, यानी नॉर्मल से जितने एंगल पर आकर के टकराती है उतने ही एंगल से वापस निकल जाती है, कौन, लाइट, हाँ या ना। इसका मतलब एंगल आई किसके बराबर होना चाहिए, एंगल आर के। ओके पॉइंट नंबर थ्री बच्चों, तीसरा कोई नियम नहीं है, मैंने मर्जी से बात करी। देखो क्या, इफ लाइट रे इज इंसिडेंट परपेंडिकुलरली टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देन, अब समझना, बात समझना मेरी, मैंने कहा कि यहां पर ये है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। If light ray is incident perpendicularly to the reflecting surface, ये है reflecting surface। अब इसके perpendicular लाना है तो ये ऐसे आनी चाहिए। तो light ray जो है बच्चों वो ऐसे incident हो रही है। तो आप खुद सोचो, अगर light ray ऐसे incident हुई है तो इस condition में ध्यान से देखें तो angle of incidence कितना होगा। अब कई बच्चे चिल्ला देंगे 90 degree, नहीं, एंगल जो बनता है बच्चों वो नॉर्मल के साथ बनता है, इंसिडेंट रे का भी और रिफ्लेक्टेड रे का भी। अब अगर लाइट रे नॉर्मली ही आ गई है, ऐसे ही आ गई है, तो इस लाइट रे ने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा, हमेशा जीरो। इसका मतलब यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बच्चों, जीरो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है। और बाई रिफ्लेक्शन, सॉरी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वी कैन से दैट एंगल आर विल ऑल्सो बी जीरो, हाँ या ना। अब इससे पता चलता है कि जैसे लाइट रे आई थी वापस उसी तरह चली जाएगी, देन लाइट रे रिटर्न बैक ऑन सेम पाथ, सेम पाथ पर वो बैक हो जाती है। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों। आज का लेक्चर बड़ा ही बेसिक लेक्चर था हमारा। सबसे पहले अपन ने लाइट क्या होता है ये जाना, लाइट में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो जानी, उसके बाद में हम आ गए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर, फिर अपन ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं बच्चों, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।